जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में, ये फिल्म आखिर है क्या और क्या सब्जेक्ट है? एक्चुअली ये फिल्म हमारी रोमांटिक थ्रिलर है एंड इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट प्रेजेंटेड बिफोर इन अ वेरी यूनिक स्टाइल. ओके. इट हैज हॉलीवुड इंपैक्ट्स एंड वेरी नाइस photographs and everything. So you will get to see something new in this movie. Okay. आज के जमाने से कितना रिलेट करेगी ये फिल्म आज की युवाओं को लेकर खासतौर पर? ये सब युवाओं की पसंद की चीज बनाई है हमने जी. इसमें पूरा थ्रिल है और रोमांस है which will definitely attract the youth, I'm pretty sure. आपके पास जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट आई थी और जब सुनाया गया था इस फिल्म की कहानी, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता? मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट लगा इसका और इसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ. मैंने इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग खुद लिखा है बैठ के 6 महीने. हमारे जो राइटर हैं मिस्टर मीर मुनीर जी, जो कि बड़ा नाम है उनका, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी मेरे को. फिर हमने उसके ऊपर इकट्ठे बैठ के 6 महीने काम किया एंड वी हैव कम अप विद अ वेरी फाइन स्क्रिप्ट विच आई एम प्रीटी श्योर कि पब्लिक विल लाइक इट. फिल्म को सक्सेस करने के लिए सबसे बड़ा हाथ स्टार कास्ट का होता है, तो स्टार कास्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे कैसे स्टार कास्ट है. ये जो हमारी मूवी है ये फीमेल डोमिनेटेड है, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है, एशली. तो वो उसी का ज़्यादा इम्पैक्ट है एंड द गर्ल हु इज प्लेइंग एशलीज रोल, हर नेम इज गुरलीन चोपड़ा जी. शी इज़ ए वंडरफुल एक्ट्रेस एंड ए वंडरफुल पर्सन. और मेल लीड की बात करें तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Mr. Rishi Bhutani, he is playing the main lead. He has done a great job in the movie and the role assigned to him, he has played very good. Hum aapse ye bhi janna chahenge, film kyunki romantic thriller hai aur is tarah ki jab filme banti hai kafi challenges aate hain, direction ko lekar aur shooting ko lekar kitne challenges aapne face kiye as a producer aur jo bhi aapke crew cast hai unhe kitna challenges face karne pade? Challenges to definitely the, aapne bahut sahi kaha ye. लेकिन हमारे डायरेक्टर मिस्टर केवल सिंह, ही हैज़ बीन एक्सपर्ट इन दिस काइंड ऑफ मूवीज, ही हैज़ डन सो मच वर्क इन दिस मूवीज. ही वाज चीफ एसोसिएट विद द बिग नेम शिबु मित्रा फॉर नंबर ऑफ इयर्स. तो हमारे दोस्त भी हैं पुराने वो, और मेरे को बहुत कुछ सिखाया भी उन्होंने, फिल्म मेकिंग के बारे में इनक्रेज भी किया. और हमने बड़ा अच्छा टीम स्पिरिट से काम किया और ही कुड हैंडल द सब्जेक्ट वेरी नाइसली. अच्छा, कहा जाता है कि फिल्म का एक इंश्योरेंस अगर कहा जाए तो म्यूजिक होता है, तो म्यूजिक के बारे में हम जानना चाहेंगे कैसे सिंगर्स है और कैसे गाने सुनने को मिलेंगे दर्शकों को? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट्स आवर मेन स्ट्रेंथ ऑफ दिस मूवी जी. म्यूजिक इज एक्सेप्शनल इन दिस पर्टिकुलर मूवी. हमारे 4 ही गाने रखे हैं हमने जी, और चारों में अलग फ्लेवर है. और सुनिधि चौहान, नकाश, दे हैव डन ए वंडरफुल जॉब और बार बार सुनने को अच्छा लगेगा हर एक को. और हम अभी उसका म्यूजिक रिलीज करेंगे थोड़े दिनों में. हमारी बात चल रही है बड़े बड़े कंपनी से, तो वी आर नॉट इन ए फाइनल स्टेज येट, लेकिन हमारा म्यूजिक जो है इट्स बिग स्ट्रेंथ. आई एम प्रीटी श्योर पीपल विल लाइक इट. कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं फिल्म बनकर तैयार होगी, रिलीज होगी, और फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है इसके बारे में भी आप अगर बताए? फिल्म हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, अभी तो हमारा डबिंग भी कंप्लीट होने वाला है जी. उसके बाद कुछ मिक्सिंग है रहेगी और फिर ये बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा. आई थिंक इन अदर 1 month वी शुड बी रेडी विद द फर्स्ट प्रिंट. फिर हम उसके बाद होपफुली वी आर प्लानिंग टू रिलीज इट इन समवेयर इन सेप्टेम्बर 2016. और इन द मीन टाइम हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि हम मैक्सिमम मल्टीप्लेक्स में इसको रिलीज करें ऑल ओवर इंडिया. और हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अभी कहीं बायर्स भी आए, लेकिन अभी हमने कमिटमेंट कहीं नहीं किया है इसका जब तक हमारा फर्स्ट प्रिंट रेडी नहीं होता. हमारा प्रोमो भी रिलीज करेंगे, म्यूजिक भी रिलीज करेंगे, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट 6 to 8 weeks. चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमारी जनता जो है क्या एक्सपेक्ट कर सकती है इस फिल्म से रिलेटेड, और आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ मिलेगा देखने को, बिल्कुल अलग कहानी है और बड़ी थ्रिलिंग कहानी है और पूरा एंटरटेनमेंट है फिल्म में फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड. कुछ भी आपको ब्रेक पॉइंट नहीं मिलेगा इसमें, बड़ा स्ट्रेच अच्छा है और डायरेक्टर हैज डन ए वेरी गुड जॉब देयर. उसने बहुत अच्छा बांध के रखा है फिल्म को, और फिर म्यूजिक से और भी ज़्यादा रिलेट हो जाता है जो कि बहुत रेलिवेंट म्यूजिक है. उसमें गाने की सिचुएशनल गाने हैं हमारे सारे, तो मेरे को बहुत अच्छा उम्मीद है फिल्म से. और मेरा तो ये फर्स्ट वेंचर है
एंड आई एम प्रेटी एक्साइटेड अबाउट इट. और मेरे जो स्टार्स हैं, मेरा क्रू है और मेरे जितने भी स्पॉट बॉयज तक, दे आर ऑल माई फैमिली एंड दे हैव डन ए वंडरफुल जॉब एंड आई विल लव टू डू मोर वर्क विद देम इन फ्यूचर आल्सो. चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म सिर्फ हिट ना हो, सुपर हिट हो. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.